देखो लास्ट क्लास है, याद करो कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी ये सब पढ़ लिया था, है ना। स्पीड वेलोसिटी लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, और उससे पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या होती हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। अब आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखो एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसको पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ना इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, जैसे मान लो 10 सेकंड में किसी ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगले 10 सेकंड में फिर 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, और फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस टाइप का मोशन अगर किसी चीज़ का भी हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो उसको लिख लेते हैं हम, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जो सेकंड मोशन होगा हमारा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टॉप करना एक मिनट इसको। सेकंड जो मोशन है अपने को पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो पहले 10 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगले 10 सेकंड में कुछ मान लो 25 करा, अगले 10 सेकंड में कुछ मान लो 10 मीटर ही करा, तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना। तो इस टाइप का मोशन को क्या बोल देंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और देखो इस चीज़ को ही देख के तुम्हें यह भी समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें स्पीड और वेलोसिटी लास्ट क्लास में बता दिया था, तो अगर तुम मान लो किसी चीज़ की, कोई मान लो बाइक चला रहे हो, तो अगर बाइक की स्पीड अगर कॉन्स्टेंट रखते हो, मतलब फिक्स रखते हो, अगर तुम बाइक 20 की स्पीड से ही चला रहे हो, तो वो उस टाइप का मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा ना। कि अगर तुम अगर बाइक बीसी की स्पीड से चला रहे हो तो हर इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करेगी, लेकिन अगर तुम ऐसे कर रहे हो कि कभी 20 की स्पीड कर रहे हो, कभी 25 कर रहे हो, कभी 15 कर दे रहे हो, कभी 50 कर दे रहे हो, ठीक है, अगर ऐसी स्पीड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड और वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से नोट में लिख लेते हैं कि नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि जो फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कॉन्स्टेंट, है ना, स्पीड इज कॉन्स्टेंट, ये चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, समझ में आया। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें क्या होगा, स्पीड कभी कुछ अलग होगी, कभी कुछ अलग होगी, इस तरीके से। तो अब इसी से एक और चीज़ बढ़िया चीज़ निकल के आती है, देखो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इसी टॉपिक से देख सकते हैं कि अभी जो हुआ कि मान लो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, और इस पॉइंट ए से बी पर तुम ऐसे गए कि पहले तुम कुछ यहाँ पर गए सी पर, फिर तुम मान लो यहाँ पर गए डी पर, और फिर कुछ यहाँ पर गए ऐसे बी पर गए, मतलब ऐसे होके गए हो बेसिकली, और तुम मान लेते हैं कि तुम ए से सी तक जाने में तुम्हारी स्पीड कुछ अलग है, और सी से डी तक जाने में तुम्हारी स्पीड कुछ अलग है, और डी से बी तक जाने में तुम्हारी स्पीड कुछ अलग है, तो हम एवरेज पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितनी बोल सकते हैं। एवरेज का मतलब समझ में आता है ना कि हम एक फिक्स वैल्यू किसको मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर तुम अलग अलग गए थे, लेकिन अगर कोई बोले कि एक नंबर बता दो, जिस नंबर से अगर तुम बोलोगे कि सर हम इतनी स्पीड से गए थे तो यहाँ पर पहुँच गए, जैसे क्रिकेट मैच होता है
तो कोई प्लेयर किसी मान लो कि पांच मैचों की सीरीज है, तो किसी पहले मैच में उसने 40 रन बनाए, दूसरे में 10 रन बनाए, किसी में जीरो पे आउट हो गया, किसी में सेंचुरी मार दी, तो एवरेज क्या होता है? एक एवरेज नंबर वो नंबर हो जाता है ना, एवरेज रन वो नंबर हो जाते हैं कि वो नंबर हम मान सकते हैं कि उतने रन उसने हर एक मैच में बनाए, मान सकते हैं ना। तो ऐसे ही मान लो ये अलग अलग स्पीड से चल रही है, लेकिन एक स्पीड बता दो जिससे हम मान सकते हैं कि पूरी जर्नी एक स्पीड से इसने कवर करी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब वो निकालते कैसे हैं, और एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी, वो निकालते कैसे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड क्या है कि अगर इस ये वाला ही जो केस लें हम, ये वाला केस लें इस वाले केस में, तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है ना, जैसे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबको ऐड कर दो, यानी कि क्या कर सकते हैं हम, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और जो टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम लगा है, चलो जल्दी, टोटल डिस्टेंस और जो टोटल टाइम लगा है, टोटल जो टाइम लगा है, इसको डिवाइड करके जो चीज़ मिल जाएगी उसी को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। तो इसको तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, ठीक है ना, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है ना, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, ठीक है। और अगर हमें एवरेज स्पीड के बाद अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जहाँ पर भी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, उसकी जगह क्या लिख देना चाहिए अपने को, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि याद है तुम्हें वेलोसिटी डिफाइन करते वक्त हमने डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करा था, तो डिस्प्लेसमेंट में हम बात कर देंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो ये जो चीज़ हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ये वाला बताना जरा, ये वाला जो अभी मैंने केस लिया था, यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये तो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ए से बी हम कैसे, स्ट्रेट लाइन ना, क्योंकि देखो ए से बी तक मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो भी इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है उनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी से दूरी। तो अगर ए और बी से मैं तुम्हें बोला कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर सीधे सीधे चले जाओ ना, ये वाला जो है यही तो होगा, ये वाला होगा, यही तो होगा ना, इनके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने जो बनाई है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एवरेज, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। और कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है भाई। तो ये लिख लिया होगा सबने, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसके ऊपर पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, एवरेज किसके ऊपर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, एवरेज स्पीड। अच्छा अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी तो एक ही होती है ना, स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है, स्पीड वेलोसिटी एक ही होती है अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो अगर मैंने बोला यहाँ पर कि मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, तो अगर मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही गए, तो अगर ऐसे गए सीधा, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो इसका मतलब कि स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि उनमें डिफरेंस ही तो यही होता है, जहाँ पर डिस्टेंस होता है उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वेलोसिटी में। तो फिर इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि भाई एन ऑब्जेक्ट कवर्स 50 meter इन 10 seconds एंड नेक्स्ट 70 meter इन 25 seconds, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले 50 मीटर है वो 10 सेकंड में कवर करता है, और अगले 70 मीटर है वो 25 सेकंड में कवर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है भाई, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड।
ठीक है, तो कर लेंगे हम इसको, करा देता हूँ मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं जरा हम, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो पहले का डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस है 50 प्लस कितना है 70, तो कितना हो गया 120 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, देखो पहले टाइम कितना था 10, फिर बाद में कितना था 25, तो कितना हो गया 35 सेकेंड, ठीक है 35 सेकेंड। तो इसीलिए हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 120 और टोटल टाइम कितना है 35, ठीक है। इसको काट सकते हैं हम, पाँच से काट सकते हैं, 5 × 2 = 10 है ना, 5 × 20 और 5 × 7 = 35, ठीक है ये आ जाएगा। यूनिट क्या लिखे भाई, पीछे यूनिट क्या लिखे, वेलो ये स्पीड है उसकी यूनिट क्या लिखे, मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। तो इस यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड, ये एस की पावर माइनस में लिखते हैं ना, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो देखो ये अभी देख के क्या लग रहा होगा कि जो एवरेज स्पीड होती है और एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें बहुत ही आसान है, टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम दिया होगा वो हम निकाल लेंगे। बट क्या होता है कई बार हमें टोटल डिस्टेंस नहीं दिया होता, टोटल टाइम नहीं दिया होता, कई बार दोनों ही नहीं दिए होते हैं, ठीक है, उस केस में भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे काफ़ी कॉमन इस टाइप के क्वेश्चन है जो तुम्हें क्लास 11th में मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो क्या क्वेश्चन है कि ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ ले लेते हैं हम 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कार जो है वो ए से बी पे जाती है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड क्या बोला कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया भाई, देखो कोई भी कार है वो ए से बी जा रही है, कितने की स्पीड पर जा रही है, ए से बी जा रही है इस तरफ, कितने की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर बी से ए वापस आ रही है कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है और एवरेज स्पीड भी निकालनी है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ना, पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें तो टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ था और टोटल टाइम भी दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में देखो तो ना ही तो डिस्टेंस दिया हुआ है और ना ही टाइम दिया हुआ है, ना ही डिस्टेंस दिया हुआ ना ही टाइम दिया हुआ है, उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, कुछ स्पीड दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमें पता है हम फॉर्मूला भाई वही लगाने वाले हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम वाला, यानी कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला वही निकालने वाले हैं। देखो हमें टाइम, हमें कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने आप मान लेंगे कुछ, जैसे मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं पता, तो हम अपने आप क्या मान लेते हैं एक्स। और देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में जो भी टोटल डिस्टेंस है, जैसे ए और बी के बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, तो बेसिकली डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, आधे टाइम के लिए कुछ अलग, आधे टाइम के लिए कुछ अलग, क्या काम है चेक के लिए, मैं कह रहा था कि इसमें डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, जैसे कि कार ए से बी गई और फिर बी से ए आई वापस, तो देखो जो भी टोटल डिस्टेंस है तो आधे डिस्टेंस के लिए कुछ एक चीज़ हुई है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधे डिस्टेंस के लिए कुछ एक चीज़ हुई है, ऐसा ही तो हुआ है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। इससे मैं क्या कह रहा हूँ, इस ऐसे क्वेश्चन को देखो अपने को सोल्व कैसे करना है ना, अपने एक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी और अपने माइंड में कुछ लाना पड़ेगा कि अच्छा जिसमें डिस्टेंस डिवाइड हो तो ये करना। देखो ये चीज़ तुम्हें थोड़ा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, जो इससे थोड़ा सा अलग हुआ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जिसमें भी डिस्टेंस डिवाइड हो रहा हो,
कि आधे आधे डिस्टेंस के लिए कुछ अलग, आधे डिस्टेंस के लिए कुछ अलग, और आधा नहीं, जरूरी नहीं आधा, वन थर्ड या वन फोर्थ कुछ भी, तो कुछ आधे आधे या कुछ भी पार्ट्स के लिए कुछ डिस्टेंस की बात हो रही हो तो उस वाले में ना डिस्टेंस को अपने आप मान लो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, एक्स ये हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स हो गया। तो इसीलिए अगर डिस्टेंस एक्स हो गया तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स प्लस में एक्स, इसका सम है 2x, क्यों, कार ए से बी गई है फिर बी से वापस नहीं आई, बी से वापस भी तो आई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें कि टाइम की तो देखो जाने में और आने में सेम टाइम लगेगा कि अलग अलग, अलग अलग क्यों भाई, अलग अलग क्यों लगेगा, जाते वक्त 40 की स्पीड है और आते वक्त 60 की स्पीड है, तो भाई टाइम तो अलग अलग लगे ना। तो मान लेते हैं कि लेट T1 टाइम मान लेते हैं जाने का, है ना, लेट T1 इज द टाइम फॉर A टू B एंड T2 क्या टाइम ले लेते हैं, एंड T2 इज द टाइम फॉर B टू A, T1 इसके, है ना। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस और यहाँ पे जो टोटल टाइम भी देख लेते हैं जरा, टोटल टाइम तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, T1 प्लस T2, 2T थोड़ी ना हुआ, अलग अलग है ना, T1 प्लस T2। तो अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमने कुछ सेटअप कर लिया, ठीक है, अब तो समझ में आया, यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का। तो देखो ये फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x और टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस में T2। ठीक है भाई, अब ये x और T1 T2 हमने अपने आप माने थे तो इनको हमको हटाना पड़ेगा इनको, तो कैसे हटाएंगे, देखो 2x को 2x रहने दो, यहाँ पर T1 है टाइम, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो यहाँ से अगर तुम टाइम देखो तो टाइम कितना हुआ डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो अगर मान लो पहले T1 पहले ए से बी जाने का टाइम, तो ए से बी जाते वक्त डिस्टेंस कितना है एक्स और स्पीड कितनी है 40। ठीक है, और बी से आते वक्त डिस्टेंस कितना है एक्स और स्पीड कितनी है 60। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स कॉमन ले लूँ तो 2x अपॉन में, यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँगा तो 1/40 प्लस में 1/60। ठीक है, यहाँ से देखो x से x कट जाएगा तो इसके बाद क्या बचेगा 2 अपॉन में 1/40 प्लस 1/60, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120, और ये 4 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 5 इंटू में 120, और ये इतना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर ये जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या कोई मेरे को इसमें एवरेज वेलोसिटी बता सकता है, बताओ, जीरो होगी एवरेज वेलोसिटी, क्यों भाई, है ना, क्योंकि देखो स्टेट में जाके इनिशियल पॉइंट पे आवाज आया, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो एक ही जगह पर आ रहे हैं, और हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसमें, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिख के कैसे दिखाएंगे, ऐसे लिखाएंगे ना, देखो एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो सीधा हम क्या लिख देंगे जीरो। ठीक है ना, जीरो लिख दें, क्योंकि यहाँ पर रीजन नहीं सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टाइम कुछ भी हो ओवरऑल तो जीरो ही आने वाला है, समझ में आए, इसको नोट कर लो, और फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो जिसमें ना आपकी बार टाइम डिवाइड होगा, देखने में सिमिलर क्वेश्चन लगेगा लेकिन ऑब्वियसली अलग है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यू भी हमको सेम रख देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कुछ देखने में सिमिलर लगेगा बट अलग है, तो इस क्वेश्चन में क्या लेते हैं हम कि देखो एक कार गोज विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम ऑफ
इट्स जर्नी, हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है। एंड यानी कि कार को ना, एक कार की जितनी भी बड़ी जर्नी है और उसको उस जर्नी को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा, जैसे मान लो तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो और तुम्हें 10 घंटे लगे, तो 5 घंटे के लिए यानी कि आधे टाइम के लिए तुम कितने की स्पीड से चल रहे हो, 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये लिखा ना, कार गोज विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी एंड विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम, ठीक है, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए। और निकालना क्या है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। और ये स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है, कार हमने स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम ही आएगी इसमें, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ही निकाल लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो अब तुम देखो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था ना, तो वो चीज़ उस टाइम पर उतनी समझ में नहीं आई होगी, अब समझ में आएगी। देखो इसमें क्या डिवाइड हो रहा, टाइम डिवाइड नहीं हो रहा, कैसे टाइम डिवाइड हो रहा, आधे टाइम के लिए। उसमें क्या था, पहले आधे डिस्टेंस के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और अगले आधे डिस्टेंस के लिए 60 की स्पीड से। इसमें क्या हो रहा, आधे टाइम के लिए 40 स्पीड से चल रही है और आधे टाइम के लिए किसकी स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, आधे टाइम के लिए ना। तो इसमें क्या डिवाइड हो रहा, टाइम। तो जब टाइम डिवाइड हो तो टाइम को अपने आप कुछ मान लो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि देखो, लेट टोटल टाइम इज कितना, 2t। टोटल टाइम को 2t मान लिया। देखो मैं t भी मान सकता था, 2t क्यों माना, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जब 2t मान लेंगे पूरा टाइम, तो आधा टाइम कितना हो गया, t। अगर t ही पूरा टाइम मिलता तो आधा टाइम कितना ज़्यादा, t बाई 2। तो कुछ फ्रैक्शन में आ जाता, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने 2t लिया, अदरवाइज t भी मान सकते थे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2t। अच्छा, पहले वाले आधे टाइम में और बाद वाले आधे टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि अलग अलग, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि अलग अलग, पहले आधे टाइम में और अगले वाले टाइम में, अलग अलग। क्यों अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग स्पीड है ना। तो पहले आधे वाले टाइम में अलग होगा, तो इस वाले में इसको हम मान लेते हैं कि, तो लेट x1 be the distance covered इन फर्स्ट हाफ है ना। और x2 क्या ले लेते हैं, x2 यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, x2 be the distance covered इन सेकेंड हाफ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 plus x2, ठीक है, x1 plus x2। तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं क्या, एवरेज स्पीड क्या होता भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, x1 plus x2, और टोटल टाइम कितना है, 2t। तो आप इसको चेंज करेंगे कि इसको कुछ चेंज करेंगे, इसको करेंगे ना, जैसे पहले t1 plus t2 था तो जो माना था उसको चेंज नहीं करते, जैसे 2x को चेंज नहीं करा था उसमें, 2t को चेंज नहीं करेंगे इसमें। अब ये क्या है, डिस्टेंस है, तो पहले हाफ टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो पहले हाफ टाइम के लिए स्पीड कितनी है, 40, और पहले हाफ टाइम का मतलब टाइम कितना हुआ, हाफ है ना, तो पूरा टोटल टाइम टू टी था, तो हाफ टाइम कितना हुआ, टी हुआ, तो 40 इंटू में टी। अगले हाफ टाइम में स्पीड कितनी थी, 60, और हाफ टाइम कितना हुआ, टी, और यहाँ पर कितना आया, 2t। तो टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर तुम टी कॉमन ले लो ऊपर से, तो टी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 40 plus 60। देखो यहाँ से टी कॉमन ले लेना, तो 40 plus 60, और नीचे कितना है, नीचे तो 2t है ही, तो टी से टी कट गया, तो कितना आ गया ये, 100 plus by 2, इसका स्लोप कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया ना, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लो इसको। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम अलग टाइप का लेते हैं, कैसे, देखो इस टाइप का कंसिडर करो कुछ। देखो ये जो सर्कल बन गया ये, ठीक है, ये ना एक घड़ी है, देखो इस तरीके से घड़ी है, इस तरीके से घड़ी है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो ऐसे करके कुछ है, ये क्या होता है 12, ये होता है 3, 6 और 9, ठीक है। तो इसके बाद देखो इसकी सेंटर से, अब इसे सुनो, आप दोनों बाहर चली जाए प्लीज़, आजिए क्लास से बाहर, एक मिनट, कोई बात नहीं, आप टाइम मत वेस्ट करिए, आ जाइए भाई, हाँ अभिषेक और सोनू आ जाओ बाहर, आ जाओ,
वहाँ चले जाओ, सीढ़ी पे बैठ जाओ। इच्छा नहीं है ना पढ़ने की तो नहीं पढ़ाएंगे। अरे कोई बात नहीं, नहीं इच्छा तो नहीं पढ़ेंगे यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिसको भाई इच्छा नहीं है ना पढ़ने की, बिल्कुल बता दे, ठीक है। पहले ही बोल रखा है, कोई मारने वारने का सिस्टम नहीं है अपना, अपने बाहर चले जाए क्लास से, अपना जो करना है करो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ना है उस वो पढ़, जो जिसको पढ़ना है उसको पढ़ाएंगे, फालतू में हम अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से है, देखो ये इसकी जो है मिनट वाली हैंड है, ये मिनट वाली, जो मिनट वाली सुई होती है ना, और एक ये आर वाली सुई है, ये आर वाली जो हैंड है वो ऐसे है, ठीक है, आर वाली। तो जैसे बताया था अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 12, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि इफ इट इज़ 12 AM राइट नाउ, यानी कि राइट नाउ कितने हो रहे हैं 12 AM, ठीक है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड when it is 12:45 AM 12:45, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन ये अपने को लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 5 सेंटीमीटर, समझ में आया। मतलब कि ये जो है ना, ये मिनट वाली हैंड, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। ये जो अब तुम देखो, ये जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो एक्चुअली में इस पूरे सर्कल का क्या हो जाएगा, ये जो ये चीज़ है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, पूरे सर्कल का क्या होगा, ये रेडियस होगा ना पूरे सर्कल का। इतनी कॉमन चीज भी यार तुम्हें, ये जो है पूरी लंबाई होगी, ये रेडियस ही तो होगी, ठीक है ना। और देखो जब ये 12:45 होंगे तो ये जो मिनट वाली सुई है 12:45 पे, मिनट वाली सुई कहाँ पर आ चुकी होगी, ये तो कुछ ऐसे आ चुकी होगी, ऐसे आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब हमें निकालना भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और टिप ऑफ द मिनट हैंड, मतलब जो टिप है ना इसका सबसे ऊपर वाला, ये जो कुछ पोर्शन है टिप वो, तो देखो ये वाला जो पोर्शन अभी यहाँ पर है 12:45 पे, ये तो ऐसे घूम के ऐसे कहाँ तक पहुँच चुका है, इतना। तो इसने यही तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो कोई बता सकता है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, 3/4 × 2πr, कैसे बता भाई। देखो ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, ये पूरा डिस्टेंस तो 2πr होता है, और अगर सिर्फ आधा करूँ तो πr हो गया, और ये कितना हो गया, ये तो, और इसके आधे का भी आधा यानी इतना होता 1/4, तो ये 1/4, ये इतना होता, देखो ये 1/4 × कितना होता 2πr, तो ये 1/4, यहाँ से यहाँ तक तो 2/4, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3/4, मतलब ये 3/4 है ना पूरे का, 3/4 पार्टी तो है इस पूरे सर्कल का, इतना पोर्शन कितना है 3/4 पार्ट है, और पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस यानी ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2πr, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3/4 × 2πr, और r की जगह हम ये रख सकते हैं ना मिनट वाली हैंड, है ना। और टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा, देखो 12 से 12:45 हो रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया 45 मिनट, और मिनट को सेकंड में कर लेंगे तो इतने सेकंड्स आ जाएंगे, 45 को 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 45 × 60, बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई करके, और कितना आ रहा है 2700, तो इतने सेकंड्स आ रहे हैं कुछ। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम,
तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3/4 इंटू में 2πr, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ पर हो गया 2700 20, है ना। यहाँ पर पाई की वैल्यू रह सकते हैं 3.14 या 22/7, और r की वैल्यू क्या रह सकते हैं हम 5 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करके कर लोगे आंसर, वैल्यू तो डालनी है खाली, ठीक है ना। यहाँ पर r की वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल देंगे, और जितना भी जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना सिंप्लीफाई कर दो, बाकी छोड़ दो। देखो हमने अपने आप रैंडम वैल्यूज ली है कुछ, तो कुछ काफ़ी बड़ी भी कैलकुलेशन हो सकती है। कंसेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा तो बताना जरा, जब ये जो टिप है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो खाली यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अच्छा बताना जरा, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो तुम, कैसे निकालोगे, है ना। देखो ये अगर तुम इसको देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मान लो ये आ रहे तो ये भी तो आ रही होगा, ये रेडियस ही तो है। तो अगर मैं बात करूं, देखो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो बताना भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो r का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, और इधर हाइपोटेन्यूज का भी तो स्क्वायर चल रहा है, तो उसमें से रूट चढ़ेगा, तो 2r का स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा, तो रूट टू आर आएगा, ठीक है ना। करके देख सकते हो तुम इसको, तो इसको रूट टू आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, रूट टू आर, 5 डेल रेडियस है ना, रेडियस डाल देंगे बाद में। अभी क्या ले लिया हमने, इसको r ले लिया, r की वैल्यू डाल देंगे, इसमें भी तो r ही लिया था अभी हमने। यहाँ पर r की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, 5 डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 डाल दोगे, 5 टू से 10π हो गया, ये 10π हो गया, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लोगे, कर लोगे ना इसको। यहाँ पर अभी कितना हो गया, और टोटल टाइम बताना, टोटल टाइम सेम होगा कि अलग अलग, टोटल टाइम क्या, अरे टाइम तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम तो सेम ही हुआ, यानी कि 45 इंटू में 60, तो जो तुमने बताया मेरे को अगर सही है तो 27 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, रूट टू आर, और अपॉन में टोटल टाइम 2700, यानी कि रूट 5, इसकी वैल्यू 5 डाल दी तो 5√2 अपॉन में 2700, इसको काट लेना, ये जितना भी होगा ये अपना आंसर आएगा, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड, और उसकी इसकी भी मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, समझ में आया क्या, नोट कर लो इसको, नोट कर लो।